हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के अरमानसी। हाँ जी, ये सेकंड डे है, मतलब 2 नवंबर है, मतलब वेनसडे का वीडियो है और सुबह का टाइम है और मैंने नाश्ता कर लिया और पूजा वूजा भी हो गया। हाँ, ये जो आपने देखा ना, ये कॉलिन इस बार हस्बैंड नहीं लाए थे, ये स्पार्कल लाए थे, इसी से मैंने साफ़ किया है सारा। और कॉलिन से ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और इसकी थोड़ी सी हल्की हल्की इसकी खुशबू भी आ रही थी और क्लीन मुझे लग रहा था कि ज़्यादा चमक रहा है शीशा वगैरह। तो ये मतलब छोटा मोटा डस्टिंग में कर रही हूँ क्योंकि सुबह का झाड़ू कर लिया है ना, तो छोटा मोटा डस्टिंग जैसे कि मिरर साफ़ करना, जितने भी ऊपर ग्लास डले हैं, जैसे मेरे ड्रेसर के ऊपर, बेटी के स्टडी टेबल के ऊपर और दो बाथरूम के दो मिरर और डाइनिंग, इतना मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ करती रहती हूँ। डेली का मेरा काम है, ये इतना डेली करती हूँ। साइड टेबल के, मेरे रूम में साइड टेबल के ऊपर कांच है तो उसको डेली करती हूँ। और ज़्यादा जैसे जिस दिन मतलब बहुत अच्छी तरह से डस्टिंग करनी है उस दिन मैं झाड़ू सुबह नहीं करती, डस्टिंग करने के बाद झाड़ू करती हूँ। और डेली का बाथरूम क्लीन, जैसे कि बेसिन वगैरह क्लीन करना, नीचे का फ्लोर थोड़ा सा फिनाइल या फिर आप लाइजॉल डाल के जैसे वापर मार दो तो क्लीन रहता है, ये तो डेली का काम है, सभी करते हैं, तो वही वे मैं ही कर रही हूँ। तो ये अभी क्लीन कर रही हूँ। और मेरे हाउस हेल्पर नहीं आई थी, उसने 8-10 दिन का बोला था और अब तक तो उसका फ़ोन वोन भी नहीं आया था। ये माइक्रोवेव भी ना गंदा हो गया, तो इसको मैंने काफ़ी दिन हो गया क्लीन नहीं किया था, मतलब आई थिंक हफ्ते भर हो गया है, तो दिवाली के टाइम ही क्लीन किया था, तो उसको भी थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। और इसके बाद ना कुछ ब्रेकफास्ट के मेरे बर्तन थे और बर्तन को मुझे साफ़ करना था, तो इसको करके फिर मैं चली गई यूटिलिटी में मेरे किचन के बर्तन वगैरह साफ़ करने। और अभी बर्तन साफ़ हो जाएंगे ना, फिर मैं जाऊंगी। वो माली भैया आए थे क्योंकि लास्ट वाले ब्लॉग में जैसे मैंने बोला था ना कि माली भैया को मैं बोलूँगी, तो उनको मैंने बोला था, तो वो आ गए थे। और उनको मैंने बोला कि जितने भी सारे पौधे हैं कि आप हफ्ते में एक बार आते हो तो आप देख लिया करो, क्योंकि मुझसे ना नहीं होता मेंटेनेंस, मुझे सजाना अच्छा लगता है पौधा लेकिन इतना टाइम भी नहीं मिलता, और सच कहूँ तो मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है कि किस पौधों में कितना धूप चाहिए कितना, तो इसलिए मैंने उनको बोल दिया और वो आके हर हफ्ते अभी देख लिया करेंगे। फाइनली मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया, बालकनी भी साफ़ कर ली, रेलिंग वगैरह साफ़ कर लिया, सब चमक रहा है और कितना अच्छा लगता है ना काम करो तो, और मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि नहीं घर साफ़ हो गया। जब तक वो झाड़ू पोछा ना हो ना तो माइंड में ऐसा रहता है कि घर तो आज क्लीन नहीं हुआ। और बेटा अभी मतलब सुबह से ना उसने दूध नहीं पिया था, तो मैं उसको दूध पिला रही थी और उसको कप में थोड़ा थोड़ा ऐसे एक सिप लेता है बैठता है, एक सिप लेता है, तो वो तो जैसे दूध पी लिया उस, तो फिर वो बैठ के ना अपना वो राइम्स देखने लगा और रो रहा था। और प्रेस वाले भैया को मैंने फ़ोन किया था तो प्रेस वाले भैया आ गए, तो फिर उनको कपड़े दे दिया। और जैसे कि मैंने बोला था, मैं आजकल रोटी बनाती हूँ दोपहर में क्योंकि चावल ठंडे हो जाते हैं, तो रोटी बना रही थी और बेटा सो गया था, दूध पी के ना बेटा सो गया था, तो यहाँ मैं तुरंत तुरंत रोटी बना रही थी और फिर घी डाल के ना, घी लगा के रोटी को फिर खिला दूँगी उसको। तो बेटी के आने के लिए टाइम था तो मैंने सोचा कि रोटी गरम कर दूँ, सॉरी रोटी बना दूँ और छोले गरम कर दूँ, क्योंकि मैंने उस दिन छोले बनाए थे लंच में और यहाँ सलाद काट रही हूँ और थोड़े से दही थे तो रायता बना रही हूँ, बूंदी की रायता, क्योंकि रोटी के साथ अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी खांसी हो गई थी तो बीच में मैंने दही खाना बंद कर दिया था, तो एक पैकेट दही आया था, हमारा चिकन बना था एक दिन संडे को तो इसीलिए दही डालना था तो दही आया था तो बच गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि रायता बना के थोड़ा खा लूँ। और यहाँ मैंने अपना और बेटे का लंच लगा दिया, रोटी और छोले, दही बूंदी का रायता और खीरा और प्याज सलाद में, लेकिन बेटा ना दही नहीं खाता, उसको दही पसंद नहीं है, तो वो छोले रोटी और सलाद खाएगा, उसको खीरा बहुत पसंद है, जैसे कि खीरा
फेंक देता हूँ ना मम्मा कुकुम्बर कुकुम्बर, उसका मूड बन जाता है। और यहाँ यहाँ ना मैंने दाल मतलब उड़द की दाल और चावल जैसे कि डोसा के लिए, प्लेन डोसा के लिए भिगोया है, क्योंकि नेक्स्ट डे थर्सडे था और ज़्यादातर मैक्सिमम 90% मैं थर्सडे को वो प्लेन वाले डोसे बनाती हूँ, मतलब चीला, और उसको चाय के साथ, चटनी के साथ, सब्जी के साथ, किसी के साथ भी ले सकते हो। तो उसके लिए मैंने भिगोया था। तो यहाँ बेटे को उठा के मैं ले आई और उसको रोटी खाना नहीं था, मतलब वो नींद से उठा था ना, वो चिढ़ रहा था, तो उसको पहले ना समझा समझा के प्यार करके ना पहले खीरा खिलाना होता है। और एक बार एक दो बार वो खीरा खा लेता है तो उसको पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि खीरा उसको इतना पसंद है। फिर उसके बाद मैंने उसको एक बार खीरा एक बार रोटी ऐसा करके उसको लंच कराया, फिर मैंने लंच किया। और फिर ना मैं सोची कि थोड़ा सा धूप हो रहा है, क्योंकि थोड़े थोड़े तो ठंड आनी स्टार्ट हो गई है, तो ये भी सो के उठ चुका था, फ्रेश हो चुका था। तो हम माँ बेटे चले गए बेटी को लाने, और टाइम मतलब 5-10 मिनट बाकी थे, तो मैंने चलो चलो दीदी को लेके आते हैं आज और उसको सरप्राइज़ देंगे। तो हम माँ बेटे चले गए लेने अपनी बेटी को, और वो भी खुश हो गई थी देख के, और ये भी मतलब खुश था कि मम्मा दीदी को लेने जा रहे हैं। मैंने कहाँ जा रहा है ना, दीदी को लेने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, दीदी तो आज सरप्राइज हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आज उसका भाई जा रहा है रहने। भाई जा रहा है ना पति। हाँ चलो जल्दी 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 इधर इधर इधर। से बेटी आ गई, फिर उसको मैंने खाना दे दिया और ना मैं कपड़े लगा दिया, क्योंकि उसके स्कूल ड्रेस भी डालना होता है। और वो देखिए खाना खा चुकी है तो कपड़े लगा दिया ना, तो बीच में ना फिर लाइट चली गई, तो मेरे मशीन आधे में ही बंद हो गई। और तब तक मैंने ना उसको खाना दे के सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, सिर्फ उसका प्लेट था, और जैसे ही उसने दिया वो भी साफ़ कर लिया। और इधर भाई बहन का प्यार चल रहा है, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं दोनों, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली वो लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो करें, मुझे एक्चुअली उस दिन समझ भी नहीं आ रहा था, पता नहीं दोनों ऐसे ही वो स्कूल से आती है ना, फिर बेटा उसके साथ चिपक जाता है। और देखिए लाइट चली गई तो ये बंद हो गया है, पता लाइट आएगा तो फिर ऑटोमेटिक चलेगा, और मेरे शाम मुझे तो शाम को ही सुखाना है। और ये सारे बर्तन मैंने धो दिए किचन क्लीन, और जब तक खाना वाना खा लो और बर्तन क्लीन कर लो ना, तब मतलब एक सुकून मिलता है कि नहीं सारे काम हो गए फिर ना, वरना थोड़ा सा लगता है कि यार इतना काम बाकी है, कुछ तो है, मतलब माइंड में चलता रहता है नहीं काम पड़ा है और उसको करना है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और बेटी ने बोला मम्मा मैं सोऊंगी नहीं, थोड़ा सा टीवी देख रही हूँ, और ये तो सो के हमारा राजा बेटा उठ चुका था, तो उसके भी मस्ती की बारी, तो वो सोने वाला नहीं। और मुझे ना तेज़ की नींद आ रही थी, क्योंकि दही खाया था ना, वो नींद तो आती है, लेकिन दोपहर में मैं एक घंटा सोती भी हूँ, एक डेढ़ घंटा। तो मैंने बेटी को बोला मैं सोने चली गई। और ये देखिए इवनिंग का टाइम है, और उसके पापा आके फिर पूजा वूजा कर लिया था उन्होंने, और बैठ के बाप बेटी दोनों टीवी देख रहे हैं और बेटा मस्ती। और अभी ना मैं ये बना रही थी तो बच्चे खाएंगे बोल रहे थे, मतलब बेटी बोल रही थी मम्मा इसको खाना, इसके पापा लेके आए थे, और बहुत अच्छा लगता है ना, इसके साथ बचपन के सबकी यादें जुड़ी है। जैसे हम जब छोटे थे ना, तो ये मतलब 1 रुपए में 10 मिलते थे एक पैकेट में, और थोड़े ना उसके वो होल्स बड़े बड़े होते थे, तो उंगलियां में फिट आ जाती थी, और 10 उंगलियां में से पकड़ के हम खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो ये आज मैंने वो तला था, तो फिर मतलब सब बैठ के खा रहे थे, और वही मैं इनको बोल रही थी कि हम लोग भाई बहन ऐसे खाते थे। और साथ में थोड़ा सा मैंने मुरमुरे लिया था और हल्का सा मूंगफली को फ्राई करके उसमें डाल दिया था, तो बच्चों ने वो वाले फ्राइज़ खाए, हमने ये खाया मुरमुरे का, हमने भी थोड़ा सा ये फ्राइज़ खाए थे, अच्छा लगा था। फिर आ गई मैं बर्तन साफ़ करने, थोड़े बहुत जो बर्तन चाय के बर्तन थे, और हस्बैंड का टिफ़िन था, इन दोनों को साफ़ करना था, क्योंकि फिर एज यूजुअल सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे।
बेटी ना रेस्ट कर रही है शाम को, क्योंकि उसको थोड़ा लो फील हो रहा था, मतलब नाक से पानी आ रहा था, तो वो सो रही थी। और ये उड़द की दाल और चावल जो मैंने डोसा के लिए भिगोए थे उसके बैटर बना के रेडी कर दिया। और फिर मैं हस्बैंड के साथ चली गई सब्जी लाने, और बेटे के लिए मुझे सॉक्स लाने थे उस सोसाइटी के अंदर से ही। और सोसाइटी के बाहर ये सब्जी देखिए कितना बड़ा सब्जी मार्केट पूरा यहाँ ना हर शाम लगता है, तो ऐसे कि ला के आपको सब्जी रखने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेश सब्जी डेली ला सकते हो। तो मैं सब्जी लाने चली गई, अपने मनपसंद सब्जी थोड़ा लेके आ जाऊँ। और मैं जब सब्जी लेके आ रही थी तो फिर देखा तो कि गर्मा गर्म जो मूँगफली फ्राई हो रहे हैं, तो मैंने हस्बैंड को बोला जरा मूँगफली लेके चलते हैं, क्योंकि विंटर आते हैं ना फिर स्टार्ट हो जाते हैं। और बेटे ने आज क्या कांड किया है, 20 रुपये का नोट ना ऐसे मैंने रखा था कि वो आएंगे प्रेस वाले भैया तो उनको दूंगी, निकाल के रखा था और उसने फाड़ दिया। और ये सारे मैं सॉक्स लेके आई थी, क्योंकि पहले इसके पापा 2 लाए थे, मतलब साइज़ सही है कि नहीं तो सही था, तो फिर और मैं 4 ले आई, क्योंकि फिर ना वो एक पर गीला कर देते हैं, एक सॉक्स तो पूरा एक दिन जाता नहीं है, एक दिन में 2-3 सॉक्स उसको पहनना होता है, वो गीला कर देता है और वो ना चप्पल पहनता है ना सैंडल पहनता है। और उसको ऐसे भी अभी फीवर से उठा है और फिर उसको ना सर्दी फिर से पकड़ रही है, तो फिर मैंने ना वो मतलब और थोड़े सॉक्स ले आए, मैंने बोला उसको एक बार धो दूँ फिर उसको धो के, क्योंकि बच्चों को धो के ही देना चाहिए, फिर धो के फिर नेक्स्ट डे से उसको देना स्टार्ट करूँगी। और फिर मैं किचन में आ गई, और आज सबको ना खिचड़ी खानी थी, तो मैंने बोला कि खिचड़ी बनाते हैं। और मेरा भी मन नहीं था कि दाल चावल प्रॉपर वाली सब्जी मतलब पूरा खाना बनाओ, कि आज चलो खिचड़ी बना देते हैं, क्योंकि बेटी को अच्छा भी नहीं लग रहा था ना, तो मैंने बोला क्या हो गया एकदम से उसका अच्छा नहीं लग रहा है बेटी है। तो जो मेरे पास सब्जी अवेलेबल थे खिचड़ी के लायक, तो वो मसाला वाली दाल खिचड़ी होता है ना, तो वो मैंने बना रही हूँ इधर। और जैसे कि मेरे पास गाजर गोभी बीन्स और मटर थे, तो उसको मैंने कट कर दिया छोटे छोटे, और प्याज और लहसुन, और अभी मैं मसूर की दाल मूँग दाल और चावल ये तीनों में मिला के फिर मैं खिचड़ी बनाऊंगी। जैसे कि सारे को डाल दिया, जैसे प्याज थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो गया, फिर उसमें सारे सब्जियां उसको 2-4 मिनट भून लिया, हल्के चला लिया, फिर उसमें डाल दिया चावल और जो दाल धो के रखे थे जितना दाल उतना चावल, तो फिर उसको धो के रखे थे उसको डाल दिया, फिर नमक हल्दी और थोड़ा सा गर्म मसाला, एक टमाटर काट के, और इसको मीडियम में 3 सीटी लगाई मैंने। फिर उसके बाद 3 सीटी लगाने के बाद फिर उसको जैसे कि ठंडा हो गया ना पानी, मतलब जैसे पूरा कुकर ठंडा हो गया, फिर उसके बाद मैंने छौंका लगा दिया। और फिर छौंक लगाना है, यहाँ मैं घी से लगा रही हूँ, जैसे घी गर्म हो गया ना उसमें बारीक कटे हुए लहसुन डाला, और फिर थोड़ा सा लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, एक सूखी मिर्च, और वो तड़का मैंने डाल दिया खिचड़ी में। और अभी प्रेस वाले भैया बेल बजाए थे और वो कपड़े लेके आ गए थे, तो हस्बैंड ला के रख रहे थे और मैं जा रही थी उनको पैसे देने, और बेटा पीछे से आके मतलब मुझे गोदी ले लो मुझे पैसे देने, एक मतलब नोट तो उसने फाड़ दिया था और मेरा तो गुस्सा चढ़ गया था कि एक नोट उसने फाड़ दिया। और ये हमारी खिचड़ी रेडी है और हम लोग तीनों मिलके नीचे ही खाते हैं, क्योंकि बेटा ना वो डाइनिंग पे खाने ही नहीं देता, और जब तक कि बड़ा ना हो ना तो सब एक साथ मिलके डाइनिंग पे तो खाना मतलब जो सपना है, तो कोई अकेला खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज नीचे ही खाते हैं, क्योंकि रात का डिनर तो एक ही साथ करते हैं। फिर मैं किचन में आ गई डेली का साफ करना वो सारे चीज़ें। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये था मेरा पूरा दिन का सुबह से मतलब ब्रेकफास्ट टू डिनर तक का रूटीन, और पूरा दिन मेरा ऐसा ही करता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, इन माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। और ये देखिए बेटा क्या कर रहा है, सारे मैट्स ला के रख रहा है, कितना हेल्पिंग बच्चा है मेरा। अच्छा वाह, आपके टेबल तो साफ सुथरा है। ब्लू पढ़ा था, मुझे पढ़ना है। अभी पढ़ाई करोगे 10 बजे? आज नाइट स्टडी करेंगे। नाइट स्टडी करेंगे मतलब कितने लोग करोगे? मैं, मेरे पापा। हम सुनने जा रहे हैं। आपको सुनने दूंगी नहीं। हम जा रहे हैं सुनने। ये कितना गंदा कर रखा है अपना बेड, ये देखो 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 देखो, क्योंकि मैं तो बच्चे पहले सुती होती हूं। वो बेचारी डॉल तुम्हारी ऐसे ही देख रही है। एक चीज दिखाती हूं, रुको। तुम्हारा बेटी जो है वो लगो किसे कौन सी स्टडी है? मेरा अलार्म प्यार है।
मतलब कुछ नहीं चाहता, अभी तक मैंने मैथ्स का स्टार्ट भी नहीं किया। और कितने दिन, 14 दिन बाद मेरा मैथ्स का एग्जाम है, मुझे बहुत पढ़ना है, फिर मेरा एनुअल फंक्शन भी है। हेक्टिक शेड्यूल, गो भाई को देख।